सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित गेमिंग। सो भाई, यहाँ पे आज हम खेलेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया खेलेंगे दो ओवर का मैच। तो चलो भाई, यहाँ पे मैच शुरू करते बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे टीम हमारी यही रहेगी। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है ग्राउंड वगैरह। तो यहाँ पे टॉस का टाइम है। सो देखते कौन टॉस जीतता है यहाँ पे, इंग्लैंड और या इंडिया। कैमरा मैन घुस ही जा रहा है बिल्कुल ज़मीन में। तो लगता है भाई यहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया। तो भाई हम पहले बैटिंग करेंगे और इंडिया को टारगेट देंगे, कि मतलब इंडिया के लिए टारगेट रखेंगे हम यहाँ पे। तो युजवेंद्र चहल करवाएंगे पहला ओवर। सो देखते किस तरीके से खेलेंगे जेसन रॉय। पहली बॉल अच्छी गई नहीं है, पर चौका जाएगा, टाइमिंग अच्छी हुई नहीं थी। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर जेसन रॉय से, चौके के साथ खाता खोला यहाँ पर। तो पहली बॉल पे युजवेंद्र चहल पे चौका, प्रेशर में आ सकते हैं चहल। एक और चौका, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे, चार रन और मिलेंगे गैप में। बहुत बढ़िया, पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। फील्डर अंदर हैं भी, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे जेसन रॉय। फील्ड इन्होंने सही से सेट कर नहीं रखी है। तीसरी बॉल देखते हैं, तीसरी बॉल पहुँचा दी है बाउंड्री की ओर। बहुत बढ़िया सिक्स यहाँ पे जेसन रॉय से। भाई यहाँ पे दर्शकों को भी नहीं लगेगी गेंद, बहुत बढ़िया छक्का यहाँ पे। तीन बॉलों में 14 रन बना लिए हैं यहाँ पे जेसन रॉय ने। सो देखते चहल कुछ वापसी कर पाएंगे या नहीं। ये भी पहुँचा दिए फ्लिक और चार रन, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे। ऑडियंस बहुत ही खुश है यहाँ पे जेसन रॉय की बल्लेबाजी देख के, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 18 रन बना चुके हैं चार बॉलों में। देखते हैं फिफ्थ बॉल, और इसको पहुंचा दिया गैप में, चार रन और। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, 22 रन बना चुके जेसन रॉय। चहल बिल्कुल वापसी ही नहीं कर पा रहे यहाँ पे जेसन रॉय के सामने। बहुत ख़राब बॉलिंग यहाँ पे युजवेंद्र चहल से। आखिरी बॉल, और इसको भी पहुंचा दिया बाउंड्री की ओर। बहुत बढ़िया छक्का यहाँ पे। तो पहले ओवर की समाप्ति के साथ इंग्लैंड ने बना ली 28 रन। बहुत बढ़िया बैटिंग यहाँ पे जेसन रॉय से। दूसरी तरफ आए हैं अब जॉय रूट, रविंद्र जडेजा कराएंगे बॉलिंग से। देखते हैं जॉय रूट किस तरीके से खेलते हैं। टाइमिंग हुई नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में। बहुत बढ़िया रविंद्र जडेजा ने भाई आते ही विकेट दिलवा दी यहाँ पे इंडिया को। बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे रविंद्र जडेजा से। योएन मॉर्गन आए हैं, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे कवर पे, चार रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, इसी के साथ पहली बाउंड्री आती हुई जडेजा की ओवर में। देखते हैं इस ओवर में कितने रन बटोर सकती है यहाँ पे इंग्लैंड की टीम। बहुत ही बढ़िया छक्का यहाँ पे, छः रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे मॉर्गन से, फील्डर भी नहीं रोक पाता भाई। बहुत बढ़िया शॉट, 10 रन आ चुके हैं जडेजा के ओवर में भी। यहाँ पे भाई रन आउट हो गया, रन हो जाता। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे। तो भाई दो विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के। ये थोड़ा अच्छा ओवर गया यहाँ पे इंडिया के लिए। 12 रन आए ज़रूर हैं, चार रन मिलेंगे। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे जेसन रॉय ने फिर चौका मारा। भाई जेसन रॉय अच्छी फॉर्म में यहाँ पे, जेसन रॉय ने अकेले दिला दिए इतना अच्छा इंग्लैंड को स्कोर। आखिरी बॉल, और इसको पहुँचा दिए बाउंड्री के और। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे। तो भाई दो ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 48 और टू विकेट। तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया को जीत के लिए चाहिए 49। तो देखते हैं इंडिया जीत सकती है या नहीं। शिखर धवन और रोहित शर्मा आए यहाँ पे, हम सैम करन से करवाएंगे बॉलिंग। सो देखते हैं सैम करन किस तरीके से ओवर डालते, क्या इंग्लैंड को जीत दिला पाएंगे। पहली बॉल डालेंगे रोहित शर्मा को। सो देखते हैं रोहित शर्मा किस तरीके से खेलते हैं। फर्स्ट बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, रिवर्स स्विंग जरूर डाली है। देखते हैं कितना अच्छा जाता है या रोहित शर्मा के पक्ष में जाएगी। बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे सैम करन। दो बॉल पे जीरो, एक भी रन नहीं बना पाई यहाँ पे अभी तक।
थर्ड बॉल डालेंगे ओवर की। ओ भाई सैम करन से ऑलराउंडर प्रदर्शन, सैम करन ने यहाँ पे रोहितमान शर्मा की विकेट दे दी है इंग्लैंड को, बहुत बढ़िया। अब बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, फोर्थ बॉल डालेंगे ओवर की, छक्का मार दिया, सेम शॉट था भाई, बच गए यहाँ पे विराट कोहली ने छक्का पचा दिया। तो भाई चार बॉलों में इंडिया का स्कोर है 6 रन और 1 विकेट गिरा है। देखते हैं फिफ्थ बॉल, एक और छक्का भाई, 2 छक्के मार दिए यहाँ पे विराट कोहली ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही तूफान तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली। देखते हैं आखिरी बॉल ओवर की, इसको कहाँ पहुँचाते हैं, इसको भी बाउंड्री की ओर भाई, हैट्रिक 600 की। तो यहाँ पे भाई एक ओवर की समाप्ति के बाद इंडिया ने बनाया 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरे ओवर में इंडिया जीत के लिए रन बटोर पाती है नहीं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे। तो अब किससे ओवर कराएं हम, यहाँ पे ओवर कराएंगे मार्क वुड से करवाएंगे, देखते कितना अच्छा ओवर करते हैं या नहीं। पहली बॉल डालेंगे शिखर धवन को, देखते किस तरीके से खेलेंगे शिखर धवन, कोशिश ज़रूर करी शिखर धवन ने बाउंड्री की तरफ पहुँचाने की पर नहीं पहुँचा पाए। तो भाई 5 बॉलों में 31 रन की जरूरत और इंग्लैंड 2 विकेट चटका चुके इंडिया के। सेकेंड बॉल देखते ओवर की, सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं, बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे। तो भाई इंग्लैंड ने अच्छी खासी तरीके से बॉलिंग करके इंडिया को फंसा लिया है अपने जाल में, इंडिया नहीं कर पाई तो बड़ा टारगेट चेज। देखते हैं फोर्थ बॉल देखते हैं, ये भी सीधा फील्डर के हाथ में, सीधा फील्डर के हाथ भाई, 2 रन बटोर लिए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। 2 बॉलों में ज़रूरत है भाई, ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को होना चाहिए था स्ट्राइक पे, क्योंकि विराट कोहली बहुत तगड़ी फॉर्म में, 3 छक्के मार चुके थे। फिफ्थ बॉल देखते हैं, फ्लिक कर दिया यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने, यहाँ पे एक ही मिलेगा। तो भाई 1 बॉल में ज़रूरत है 28 रन की, जो तो पॉसिबल है नहीं। तो देखते हैं क्या करते हैं, विराट कोहली आए हैं स्ट्राइक पे, देखते हैं आखिरी बॉल यहाँ पे, देखते विकेट है या नहीं, नॉट आउट भाई, वैसे भी नहीं लगी है। भला यहाँ पे आउट ना हो पर इसी के साथ इंग्लैंड 27 रन से बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी मार्जिन से जीत चुकी है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले गेम प्ले में।